जयपुर पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन सरकार की नाक कान आंख बनेगा। प्लान के मुताबिक और आलाकमान के निर्देशानुसार सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले। जनता जो कहती है उसका सुझाव देंगे। तो वहीं ग्राम पंचायतों में पीडी खातों को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ग्राम पंचायतों का पैसा पीडी खाते में डालना सरकार की मजबूरी हो गई थी, लेकिन सरपंचों को कोई असुविधा नहीं हो, इससे लेकर सीएम को अवगत करवाया गया है। डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने, यह करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग और भावना है, और कहा कि कांग्रेस अधिवेशन कहां किया जाए यह एआईसीसी तय करेगी। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। भूमि अधिग्रहण कानून से लेकर अब किसान आंदोलन तक में राहुल गांधी किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आलाकमान का आंख कान नाक हमारे पदाधिकारी होंगे, ये अजय माकन जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया आलाकमान की तरफ से। तो मैं समझता हूँ चाहे वो सरकार के काम की बात हो, चाहे मंत्रियों के दौरों की बात हो, वहाँ पर उनकी जन सुनवाई की बात हो, चाहे वहाँ के जिले के अधिकारियों के जन सुनवाई की बात हो, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से रिपोर्ट लेकर के जहाँ आवश्यकता होगी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी हम आलाकमान को अवगत कराएंगे। तो मैं समझता हूँ हमारे आँख कान नाक सब खुले रख करके जनता की सेवा का जो संकल्प कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में, वो हम लोग काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं विस्तार ये आलाकमान का काम है। जो गुड गवर्नेंस हमको देनी है, जो जनता ने आशा और अपेक्षा करके हमको सरकार बनाई है, उसमें हम बेहतर कैसे हमारा योगदान दे सकते हैं, कैसे अच्छी योजनाएं लॉन्च कर सकते हैं, कैसे अच्छी योजनाओं का लाभ उनको मिल सकता है, जनता को हम दिला सकते हैं, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। संगठन का जो माध्यम से कार्यकर्ताओं की जो आशा और अपेक्षा को पूरा करें और उनका मान सम्मान करें, ये हमारा संगठन का काम है, और जो योजनाएं उसका धरातल के ऊपर लाभ मिले लोगों को, ये हमारी प्राथमिकता में